नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भावेश आज उपस्थित हुआ हूँ मैं एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेके। ठीक है ना, इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 माह के बच्चे होते हैं, तब उन्हें क्या होता है, दांत निकलना चालू होता है और उस दांत निकलते समय या दांत निकलने के दौरान उन्हें बहुत सारी समस्या होती हैं। ठीक है ना, तो उस समस्या से बचने के लिए हमें कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन लेनी चाहिए वो मैं आपको आज बताऊंगा। कौन सी डोज में लेनी चाहिए, कैसे लेना चाहिए जिससे इनको होने वाली दांत निकलते समय होने वाली जो समस्या है उससे उन्हें फ़ायदा मिले। ठीक है ना, तो जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 6 माह के बच्चे होते हैं, उन 6 माह के बच्चों में दांत निकलना स्टार्ट होता है और 6 माह से लेकर 24 माह के बीच में कंप्लीट जो दांत का डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो हो जाता है। लेकिन 6 माह से स्टार्ट होता है और लगभग लगभग 24 माह तक चलता है। ठीक है ना, तो जैसे ही बच्चे में दांत निकलना चालू होता है तो आप देखेंगे उनमें कुछ कॉमन चेंज हमको मिलता है। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट चेंज मिलता है कि जो बच्चा है उंगली को बार बार या अंगूठे को बार बार मुंह में लेके जाता है। तो ये एक पहला लक्षण है जो हमें इंडिकेट करता है कि बच्चे के दांत निकलना चालू हो रहे हैं। दूसरा जो होता है, जो बच्चे का लार निकलना बहुत अधिक बढ़ जाता है, अधिक मात्रा में क्या होता है, बच्चे का लार निकलने लगता है, ये भी दांत निकलते समय एक परिवर्तन आता है बच्चे में और इतना अधिक लार निकल जाता है कई बार कि यहाँ पर इस एरिया में रेडनेस रफनेस आ जाती है बच्चे के अराउंड द लिप्स। ठीक है ना, एंड जो थर्ड है उसकी जो नींद है, स्लीप है, वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जब उसके दांत निकलते हैं तो उसके मसूड़े में डिस्कम्फर्ट फील होता है जिस कारण से उसे नींद में प्रॉब्लम आती है, वो सो नहीं पाता है। अगला है उसमें चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बहुत अधिक रोता है। ठीक है, ये भी इसलिए होता है क्योंकि उसके मसूड़े में डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि उसके दांतों में दांत का जो डेवलपमेंट चालू है, ये दांत निकलने वाले हैं। आगे जो है, इसके अलावा वो खाने को भी रिफ्यूज़ करता है, उसके जो खाने की जो जो डाइट होती है वो कम हो जाती है। ठीक है ना, क्यों कम हो जाती है, क्योंकि वो ना उसको ना जो दांतों में डिस्कम्फर्ट फील होता है और वो खाने को रिफ्यूज़ करता है। ठीक है, ये कॉमन परिवर्तन मिलता है। ठीक है ना, इसके अलावा कई बार कुछ बच्चों में दांत निकलते समय उन्हें वॉमिट होती है, दूध पिए और उन्होंने उल्टी कर दिया। ठीक है, दूध पिए उल्टी कर दिया। इसके अलावा उन्हें डायरिया हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है, कभी कभी कुछ बच्चों में फीवर भी आ जाता है। ठीक है ना, तो ये कुछ परिवर्तन बच्चों में मिलते हैं और ये 6 माह से 24 माह के बीच में वेरी कॉमन मिलते ही हैं और हर बच्चे में कॉमन मिलेंगे ही। तो इन सब से बच्चे में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इससे बचने के लिए होम्योपैथी में बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिसका नाम है बायोकेमिक 21, BC21 या बायोकेमिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं 21। आप मार्केट पर जाएंगे, होम्योपैथिक शॉप में जाएंगे, आप बोलेंगे BC21 या बायोकेमिक 21, वो आपको इजीली दे देंगे। हर होम्योपैथिक शॉप में ये अवेलेबल है। तो इस मेडिसिन को 6 माह से 24 माह तक लगातार हमें देना है। इस होम्योपैथिक मेडिसिन के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये उस बच्चे में होने वाले समस्या या दांत के प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए, दांत को प्रॉपर निकालने में और दांत के दौरान होने वाली जो समस्या है उन्हें कम करने में या समस्या से बचाने के लिए बहुत अधिक उपयोगी होती है। तो बायोकेमिक 21 जो है वो आप ले लें और बच्चे को देना चालू करें। अब देना कैसे है, 6 माह से स्टार्ट करें। 6 माह का बच्चा हो गया है, 6, 7, 8 और 9, ये 4 महीने, 6, 7, 8 और 9, ये 4 महीने तक बच्चे को दो दो गोली, दो गोली सुबह, दो गोली दोपहर, दो गोली शाम, 3 बार देना है। ये जो दो गोली आपको दे रहा हूँ इसे आप मैश करके एकदम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे आप पानी में घोल के एक चम्मच दे सकते हैं। यदि वैसा नहीं देना चाहते हैं तो आधा कप पानी लीजिए, उसमें दो टैबलेट डाल दीजिए। ठीक है, वो ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाएगी और उस पानी को चम्मच से पिला दीजिए या पिला दीजिए या वैसी कप से पिला दीजिए, तो वो दवाई उसकी बॉडी में चले जाएगी। ऐसे ही सुबह दोपहर शाम करना है, दो दो गोली देना है आपको 6वें, 7वें, 8वें और 9वें महीने में। ठीक है, जैसे ही इसको 10वां स्टार्ट होता है, 10वां, 11वां, 12वां महीने, ये 3 माह में उसे
उसी बायोकेमी 21 की 3 गोली सुबह, 3 गोली दोपहर, 3 गोली शाम करना है, ठीक है ना। वैसे ही देना है, आप एक चम्मच पाउडर बना के दे दें या पानी में डाल के चम्मच से पिला दें या कप से पिला दें। और जैसे ही वो 12 महीने का होता है तो 13वें महीने से 24 माह तक उसे लगातार 4 गोली सुबह, 4 गोली दोपहर, 4 गोली शाम को लगातार देना है। तो ये 6 महीने से लेकर 24 महीने तक लगातार इसको आप देंगे तो ये दांत निकालने में तो हेल्प करेगी करेगी, दांत निकल समय होने वाले प्रॉब्लम से बचाएगी, साथ में बेबी के ब्रेन के डेवलपमेंट में हेल्प करेगी, बेबी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के, बोन लिगामेंट्स, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करेगी। इसके अलावा जो बेबी बात करने, जैसे 12 महीने का होता है तो अपने बात करने के बारे में सोचता है, कुछ बोलना, वर्ड्स बोलना चालू करता है, तो उन्हें उस प्रोसेस को करने में भी क्या करता है, ये दवाई हेल्प करता है। इसके अलावा जो बेबी जो मूवमेंट करता है, मूवमेंट करने में उसमें भी उसे बहुत अधिक हेल्प मिलती है। तो ये जो बायोकेमिक 21 है ये दांतों के अलावा और बहुत सारे इम्पॉर्टेंट कार्य को करने के लिए उपयोगी होती है। इसलिए हर बच्चे को 6 माह से 24 माह के बीच में ये बायोकेमिक 21 जो है देना ही चाहिए। इस दवाई के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, ठीक है, बहुत उपयोगी दवाई है, इसे आप ले सकते हैं, कोई भी होम्योपैथिक शॉप में आपको इजीली मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई तकलीफ होती है बच्चे को दांत निकलने के दौरान, दांत निकलने के समय, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन में मेरा कांटेक्ट नंबर है आपको शो हो रहा होगा, वो आप उसे देखकर कॉल कर लीजिए। मैं आप नमस्कार दोस्तों।